Hi friend, welcome to my YouTube channel Pipe Fitter Expert. Friend, my name is Chandan Singh. Friend, आज मैं आपको बहुत ही most important size और भी related उसके word आपको बताने वाला हूँ, ठीक है. Actually आज friend मैं septic tank के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है. मेरे सामने आप जो देख रहे हो, ये हमारा एक हाउस कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, जो प्लिंथ लेवल पर वर्क छोड़ दिया है, ठीक है. तो इसके मैं सेप्टिक टैंक के बारे में आपको बताऊंगा कि सेप्टिक टैंक का कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी डेप्थ, ठीक है, और नीचे जो फ्लोर लेवल पर पीसीसी की जाती है, ठीक है, उसका रेशियो क्या होता है, डेप्थ कितनी होती है, और ड्रेनेज और इनलेट और आउटलेट जो पाइप होते हैं उनका साइज क्या होता है, इनलेट पाइप लाइन का जो हाइट होती है वो क्या होती है, इन सब पॉइंट के आज आपको बताऊंगा, ठीक है. तो ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड से शेयर कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है. और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो आइकन होता है उसको प्लस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है फ्रेंड. चलिए फिर चलते हैं फ्रेंड. ये हमारा सेप्टिक टैंक है, इसका मैं आपको रियर फेस दिखा रहा हूँ, ठीक है. इसकी कुछ फ्रेंड डेप्थ जो है लमसम 7 फुट है, ठीक, आप लोग देख लो, ठीक है. अब मैं आप उसका टॉप व्यू दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड. ये हमारा टॉप व्यू है सेप्टिक टैंक का. इसकी फ्रेंड कुछ लेंथ विथ जो फ्रेंड है 5 फुट 8 इंच है. ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको मेजर करके दिखा दे रहा हूँ. आठ फुट 2 इंच है ये देखिए, ठीक है फ्रेंड. और इसकी जो लेंथ है 5 फुट 4 इंच है फ्रेंड, ठीक है. और इसकी फ्रेंड डेप्थ जो है 7 फुट है, ठीक है, जिसकी गहराई है 7 फुट है. और जो नीचे फ्लोर पे पीसीसी करेंगे ये, ठीक है, शायद पीसीसी हो भी गई है तो वो रेशियो फ्रेंड 1:4:5 का होगा, मतलब 1 सीमेंट 4 कोर सैंड और 5 एग्रेस्टोन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड. अच्छा, ये आपका जो साइज है ढक्कन का, ये 12x12 का है फ्रेंड. अब मैं आपका इसका फिर रियर व्यू पे लेके चलता हूँ. एक्चुअली ये फ्रेंड कुछ सेप्टिक टैंक कुछ सही भी नहीं बना रखा है, क्योंकि इसमें कुछ इनलेट और आउटलेट का झोली नहीं डाल रखा है, पाइपलाइन नहीं डाल रखा है. ना कि मैं आपको बता दूँ कि जो इनलेट जो पाइपलाइन होती है, ठीक है, और जो आउटलाइन पाइपलाइन होती है, इनलेट पाइपलाइन की हाइट जो है 30 सेंटीमीटर रखा जाता है और आउटलेट का मिनिमम 45 रखा जाता है, ठीक है फ्रेंड. चलते आगे. अब मैं आपको फ्रेंड इसकी जो स्लैब होती है, स्लैब जो पड़ी है आप देख रहे हो, ठीक है, उसकी थिकनेस चेक करा देता हूँ कि कितने इंचेस की है, ठीक है. इसकी कुछ मेजर करने की जरूरत भी नहीं है, आप देख लो कुछ क्या 4 इंची की स्लैब पड़ी हुई है, ठीक है फ्रेंड. ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा सेप्टिक टैंक ही है. पूरे सेप्टिक टैंक के सारे व्यू देखने से भी मालूम नहीं चलता है कि कहाँ से इनलेट और आउटलेट सप्लाई दे रखी है. तो फ्रेंड यहाँ एज ए पर्पस ऑफ स्लैज स्टोरेज एंड वेस्टेड यूज स्टोरेज यूज़ के लिए सेप्टिक टैंक बनाया गया है, क्योंकि इधर जो एरिया है ये LDA की ज़मीन नहीं है, जो भी सीवेज मिलती है यहाँ सेप्टिक टैंक बना के ही यूज़ किया जाता है फ्रेंड, ठीक है. तो मैंने आज आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेप्टिक टैंक की साइज विथ और डेप्थ के बारे में बता दिया, ठीक है. इसके बारे में कुछ भी पूछना हो आपको तो कमेंट करके पूछिएगा. आप लोग पूछते तो फिलहाल हो नहीं, ठीक है. और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स का सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिल सके और मैं आपके लिए एक नए अच्छी कॉन्सेप्ट की वीडियो ला सकूँ, ठीक है फ्रेंड. जय हिंद, जय भारत.